देवलेना जी, जो भी आपने शहनाज के गाने के लिए बोला वो बिल्कुल गलत बोला है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने बोला कि वो गाने के अंदर शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है, वो एक फेक केमिस्ट्री लग रही है। मुझे लगता है कि ये आपकी आई सेट वीक हो चुकी है जिस कारण आपको गाना देखने में दिक्कत आ रही है। और एक आप बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने आपके काफ़ी शोज़ देखे हैं और मैंने आपको बिग बॉस में भी देखा कि आपकी शहनाज के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, फिर भी आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि गाने के अंदर उनकी केमिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि आप ही गलत हैं, आपने गाने को अच्छी तरह देखा नहीं है। जो गाना पूरे वर्ल्ड ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है और जो नंबर वन ट्रेंडिंग में आया हुआ गाना है, जिसके 5 दिन के अंदर 40 मिलियन के पास व्यू आ चुके हैं, तो आप उसके लिए बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि शहनाज की जोड़ी नंबर वन जोड़ी है और वो गाने के अंदर भी दिखाई गई है और वो बिल्कुल रियल केमिस्ट्री दिख रही है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक आपने एक कमेंट क्या बोला है कि इससे अच्छा जो मेरे घर का एंजल डॉगी है वो, उसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि आप एक ये गलत लाइन को लेके ना बवाल नहीं ले सकती हैं। पहली बात, आप एक इस चीज़ को एक डॉगी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अपना पहले जाके दिमाग जाके चेक करवाइए और उसके बाद आप दुनिया पे बोलिए जो बोलना है। आप फालतू में किसी के केमिस्ट्री के ऊपर नहीं बोल सकते। अगर आज उनकी केमिस्ट्री हिट हुई है तो दुनिया ने की है, आप नहीं होते कोई बोलने वाले कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है या नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एक अपना गाना निकालिए, फिर मैं आपकी केमिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि किसके जैसे लग रही है। मुझे तो लगता है आपकी केमिस्ट्री के ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला गाने के ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। मुझे लगता है 1 लाख भी व्यू आ जाए ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अब तो ये बात हो चुकी है। जिसका शहनाज का ऐप बन चुका है, शहनाज का ऐप बन चुका है, अगर आपको वाकिफ हो तो ऐप बन चुका है, जब पूरी दुनिया उसको लाइक कर रही है और आप घर के अंदर से ही आ रही है, बिग बॉस के हाउस से ही आ रही है और आपकी दोस्ती अच्छी थी और बाहर आके आप बवाल कर रही है, बहुत गलत है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है और मैं आपके गाने का इंतज़ार करूँगा और आपकी जोड़ी देखना चाहूँगा कि आपकी जोड़ी कैसे लगती है। मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर व्यू नहीं आएगा, हमें देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप अपना गाना निकालिए और मैं देखता हूँ कि वो कौन सी ट्रेंडिंग में आएगा। मुझे लगता है वो 100 से ऊपर भी ट्रेंडिंग हो जाएगी ना तब भी वो गाना नंबर वन पे नहीं आएगा। आप किसी के लिए स्टेटमेंट बोल रहे हो ना, तो पहले सोच के बोलिए। और आप भी एक आर्टिस्ट है तो आपको एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जितने भी वो एफर्ट्स डालता है, एक्टिंग करता है या कोई भी केमिस्ट्री बनती है वो दिल से बनती है, कोई फेक नहीं करता है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, और प्लीज़ किसी के बारे में ऐसे फालतू मत बोलिए, क्योंकि शहनाज के साथ हम भी घर के अंदर रहे हैं 1.5 महीना, हम शहनाज को जानते हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही मस्त है, बिंदास है। और उसकी शहनाज के साथ जो देवलेना जी आपने एक लाइन बोली है कि मैं उस गाने को डॉगी से तुलना करती हूँ, मतलब कि आपकी कितनी गंदी सोच है कि आप इतना गंदा सोच सकते हैं कि ये गाने को आप डॉगी से तुलना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या पूरी दुनिया आपको इस स्टेटमेंट से पसंद नहीं करेगी कि जो आप एक आर्टिस्ट होकर दूसरे आर्टिस्ट को यार इतना गलत बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत ही गलत है। मतलब कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपको मालूम है आर्टिस्ट कितना देर से एफर्ट करता है, मेहनत करता है और उसके बाद जो परफॉर्मेंस आती है वो बिल्कुल वाकई में अच्छी दिखती है और आप उसको एक डॉगी से तुलना कर रहे हैं, बहुत गलत है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जो आपने स्टेटमेंट दी है वो आप अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए और सॉरी मांगिए ये स्टेटमेंट से, वरना मैं क्या पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा, जितना भी शहनाज के फ़ैन है वो सारे आपके खिलाफ हो।